फिलहाल कैमरे के ऊपर देवेंद्र कादियान आपने नजर आओगे, और देवेंद्र कादियान से बात करने से पहले मैं एक बार चारों तरफ का कैमरा घुमाना चाहूंगा, क्योंकि भीड़ जो आपने नजर आओगी, हजारों लोग फिलहाल एक छोटा सा गांव बोगीपुर और उसमें हजारों लोग जो है वो उमड़े हैं। फिलहाल देवेंद्र कादियान जी से हम लोग बात करेंगे, एक सेकंड भाई हटिए, देवेंद्र कादियान जी से बात करेंगे। और राम राम भाई हटिए, छोटू हटिए एक मिनट, देवेंद्र कादियान जी और कैमरा ने एक बार ऊपर से भी दिखा दूं मैं, आप लोग भीड़ देख सको हो, छोटे छोटे बालक भी फेटन आए हैं जी भाई साहब, मिलन का कार्यक्रम लगातार थे, लेकिन साथ के साथ कैमरा दिखाता रहूंगा, हजारों लोग, छोटा सा गांव लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा। देवेंद्र जी राम राम। राम राम जी राम। नो बताओ, छोटा सा गांव बोगीपुर और उसमें अगर भीड़ की बात करा, जितनी वोट है उतनी भीड़ है? देखिए ये भीड़ नहीं है, मैंने तो पहले कहा था चुनाव हरियाणा में हो रहा है, गन्नौर में चुनाव के साथ साथ एक आंदोलन चल रहा है। ये हमारी मातृशक्ति, हमारे काका ताऊ सारे दादा नौजवान साथी हर घर से निकल के आए अपने भाई बेटे को हौसला देने के लिए और ये बोलने के लिए, आप चुनाव गन्नौर लड़ रहा है या भोगीपुर गांव लड़ रहा है, जो न्याय की बात गन्नौर में चल रही है, गन्नौर में होगा न्याय, उस वजह से सब लोग नारा भी दिया है सबने के गन्नौर में होगा न्याय, लेकिन एक चीज है न्याय आपकी गेल नहीं हुआ, मैं जनता से बात करूँ था, आपका भाषण चल रहा था लगातार 20 मिनट का भाषण चला, हमने माता बहन आता भाव जी आता बात करी, बोला न्याय तो गन्नौर वाले कर देंगे, लेकिन देवेंद्र के लिए न्याय नहीं हुआ, जी तोड़ मेहनत देवेंद्र ने करी है एक पार्टी के लिए, नाम मैं भी नहीं लूंगा क्योंकि आपने भी नहीं लिया, जी तोड़ मेहनत कर दी, कति सब के दाव पर लगा दिया, मानस चाहिए मानस ले गए हो, भीड़ पूरी ले गए हो, आपके काफिले चलिया करते, हर एक प्रोग्राम मोदी जी का आपने करवाया, फिर भी सा धोखा, दिल तो बहुत दुखिया। देखिए अब ये पुरानी बात हो गई है, अब हम अपने मिशन पे हैं, ये गन्नौर चाहता है हम उनका जिक्र ना करें, वो चीजें जा सकती चली गई हैं, अब हम गन्नौर के प्रत्याशी हैं, गन्नौर ने हमें चंडीगढ़ भेजना और ये बेड़ा उन्होंने स्वयं उठा लिया है, और मैं समझता हूँ ना हम उनका जिक्र करना चाहते ना हम उनकी चर्चा, देवेंद्र का ध्यान वोट बैंक, देवेंद्र का ध्यान, देवेंद्र का ध्यान वोट बैंक, कहीं ना कहीं आपका इस चीज का बड़ा है क्या, आप इस बात न मानोगे? ये तो परमात्मा का करिश्मा है जो मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दिया, पिंजरा पिंजरा जी हाँ, पिंजरे से बाहर निकाल दिया। अच्छा। हमारे काका ताऊ तो इनके चेहरों पे चमक आ गई, बिल्कुल ये तो खुश है। बात करूँ तो पहले खुल का गेल है, पहले भीड़ भीड़ में गेल थे, खुल का नहीं, पहले 36 बिरादरी के लोग, उन्होंने कहा है चलो पार्टी से आते तभी भी साथ थे, लेकिन अब और खुश है, ये जो अत्याचार हुआ है उस अत्याचार के खिलाफ ये अब स्वयं खड़े हो गए, इसलिए अब ये सब खुश है। देवेंद्र जी मेरे सिर्फ दो सवाल, क्योंकि आपके प्रोग्राम में गांव में मौत भी हो रही है, मेरे सिर्फ दो सवाल हैं। सवाल नंबर एक, वे कौन से काम याद है, तीन काम मैं हर नेता से पूछा जिसका पहला इंटरव्यू, वे कौन से तीन काम याद है जो गन्नौर खातिर करने हैं? सबसे पहला काम हमारे शहर के लिए गन्नौर का एक शानदार बाईपास जो गन्नौर रेंग रहा है ट्रैफिक के बारे में, दूसरा हमारे गांव की दयनीय हालात, तालाबों की, सड़कों की, बीच में छोड़ते इंटरव्यू, कोई बात नहीं, चलो चल कर ले, तीन काम तीसरा मेन काम शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, बेहतर शिक्षा के लिए, और इन युवाओं को रोजगार के रास्ते पे चढ़ाना है जो सबसे बड़ा काम है, इन युवाओं को रास्ते पे लगाना है रोजगार के, जो एक प्राइवेट क्षेत्र है। एक सीधी सी बात करूं, चाहो के हो आप रोजगारी भी देने लग रहे हो, आप एम्बुलेंस भी चलो बाढ़ बेटी के ब्याह की बात कर लो, हर चीज में आपकी एम्बुलेंस वाले, मतलब जो काम करवाए जा सके है विधायक बनकर, बिना विधायक बने आप करवाओ, ये जितने काम अभी चल रहे जन सेवा के, इन कामों को बहुत आगे बढ़ा चढ़ा कर इनको करेंगे और बढ़ाया जाएगा, अभी तो सबसे बड़ा काम इन युवाओं के लिए करना है जो बेरोजगार युवा घूम रही। देवेंद्र जी हम आपसे बात कर पाएंगे मेरे हिसाब से एक ले बैठ कर, क्योंकि आपने जन समर्थन इतना है जितना सीएम ने मिला कर है, उतना जन समर्थन आपने मिलने लग रहा है फिलहाल,
तो बहुत बहुत धन्यवाद। फुर्सत से मिलेंगे। हाँ, फुर्सत से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल जनता जो है वो दिखाना चाहूंगा देवेंद्र कादियानी के लिए। जनता जो है और बातचीत भी आप अगर देखो मिलन लग रहे हैं देवेंद्र कादियान से, क्योंकि देवेंद्र कादियान कहीं ना कहीं लोगों के किसी ना किसी रूप में काम जरूर आए हैं, चाहे वो एम्बुलेंस से बात कर लो या फिर बहन बेटी के बीच जुकर काम आया करे, बाण का ब्याह किसी का कितने भी। भाई राम राम। भाई राम राम। कलोन जी नू बताओ देवेंद्र कादियानी की क्या रिपोर्ट है ऑन फेस? भाई इस हलके के लिए ना एक नंबर रिपोर्ट है भाई। जो काम भाई ने किया ना शायद ही कोई एमएलए ने किया हो या एमपी ने किया हो। अच्छा, बिना एमएलए बने? बिना एमएलए बने भाई। और बिना एमएलए बने ने बहुत काम किया हमारे गाँव में। कचरे की गाड़ी और एम्बुलेंस की फ्री सेवा और कचरे की गाड़ी तक। हाँ, जो फ्री चला रखी है उन्होंने। डेली आओ भाई कती। अच्छा, और क्या क्या काम कराओ देवेंद्र कादियानी? भाई सारे एम्बुलेंस रही सारे काम आवे है। कोई फोन मार। एकेडमी खोल रखी देवा एकेडमी। बता देंगे देवेंद्र कादियानी की बात नहीं करता। देवा एकेडमी खोल रखी फ्री में, कोई चार्जेज नहीं है उसके। कूड़े की गाड़ी हर गांव में आती है हॉर्न बजाती हुई, और वो सारे गांव से कूड़ा जो है ना, पहले तो डंगर डोर रखते थे कूड़ी में पहुंचाते थे, अब है नहीं, वो सारा का सारा गाड़ी में दे देते हैं और वो कूड़ा फेंक के आती है। चलो, मतलब आप लोगों का क्या कहना है, वो रिपोर्ट आप लोग भी नीचे कमेंट में बता सको हो, क्योंकि लोगों का जो हो काफी बड़ा समर्थन देवेंद्र कादियानी में मिलने लग रहा है। टिपते पहला कमेंट क्यों करवाओ, गंदे आदमी है तो कौन वोट देगा भाई? देवेंद्र कादियानी देवेंद्र कादियानी इलेवंथ क्लास में। इलेवंथ में? हाँ, बढ़िया। अच्छा, देवेंद्र कादियानी क्यों वोट बनाने पहले वोट मांगने लगे देवेंद्र की? देवेंद्र कादियानी बढ़िया आदमी है, किसकी ना सुनते हो तो बताओ। 2:30 बजे फोन करेंगे एम्बुलेंस हाजिर हमारे। ट्राई करे काम में? ट्राई करे है पूरी, मतलब आप तक तीनू मानो कूड़े वाली गाड़ी। मैंने कोई छोटा सा बालक बताओ समझियो बात। खुद यूट्यूबर हो गए भाई, खुद यूट्यूबर हो गए। देवेंद्र कादियानी भाई ने जो एम्बुलेंस चलाई थी उसके ऊपर बात करी थी। बढ़िया भाई है भाई, वोट देवेंद्र का। गंदे आदमी तो वोट देगा भाई, गंदे है बाकी है। चलो फिलहाल आपका क्या कहना है? कमेंट लगातार देख रहा हूं। पंडित जी का लड़का है? पंडित जी का लड़का है। जी 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 जी। दो मगरमच्छ फंस गए भाई के, और दोनों आगे मुंडी पीटनी है। मुंडी पीटनी है बस, और मतलब एक है ब्लॉक मेंबर भाई। पूरे गन्नौर हल्के के ब्लॉक मेंबर सारे सरपंच लगभग जो रह रहे हैं 5 तारीख तक वो भाई भी आ जाएंगे। जैसा यो भाई है ना, तो किसी घर में 5 इंसान है, 5 मत अगर छोटा बच्चा भी इसके पास ले आता तो ये भाई ये नहीं पूछता बाप आ रहा है बेटा आ रहा है। सबसे बढ़िया क्वालिटी आ है इस भाई में, ना किसी से कोई भेदभाव, ना कास्ट भेदभाव, ना रेसिज्म कुछ भी नहीं है। मतलब एक चीज हो रही है दिल से, देवेंद्र के लिए न्याय और गन्नौर करेगा न्याय। फिलहाल वीडियो शेयर कर दिया, आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करता दियो। राम राम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद।